दिल्ली के शाहीन बाग में सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से वार्ताकारों ने लगातार 3 दिन तक बातचीत की और समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई और शाहीन बाग का रास्ता नहीं खुल पाया। सीनियर एडवोकेट साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों से सवाल किया कि आप लोगों ने सिर्फ एक रोड बंद की है तो दूसरी रोड को किसने बंद किया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम यहां पर धरने पर बैठे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए रोड बंद किया है। इस पर सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने पूछा कि क्या आप लोगों ने ही दूसरी सड़क को बंद किया है, तो जवाब में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दूसरी रोड के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इस पर साधना रामचंद्रन ने कहा कि तो क्या आपके मुताबिक सड़क बंद करने के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो मीडिया के सामने ही बातचीत करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर वार्ताकार मीडिया को बाहर जाने के लिए कहते हैं तो फिर कोई बातचीत नहीं होगी। भारत का फ्यूचर ये है कि सब हंसते खेलते मजे में रहे। सभी का ये हिंदुस्तान है, सभी का हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान को हम बरकरार